और ये अपना दोस्तों पुराना फुटरेस निकल चुका है। अब दोस्तों अपना न्यू फुटरेस जैसे कि आप देख पा रहे हो, उससे पहले आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ, ये कुछ इसका मॉडल नंबर रहेगा दोस्तों, और ये 220 का है जैसे कि आप देख पा रहे हो, 186 रुपये का ये हमें पड़ा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ये कुछ इस प्रकार से। फिर दोस्तों ये इसका रबर के लिए दोस्तों हमें ये चेंज करना पड़ा जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर दोस्तों आपके सिटी में ये अवेलेबल होता होगा इसका रबर, और दोस्तों इसका सेपरेट रबर हमारे सिटी में हमें कहीं भी नहीं मिला, तो इस प्रकार से दोस्तों अपना प्रॉपर तरीके से फिटमेंट हो चुका है। अगर दोस्तों आपके पास प्रॉपर तरीके का टूल हो तो आप इसे घर पर भी फिक्स कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है, और ये अपनी पल्सर 220 BS4 2020 ABS मॉडल। और आज के वीडियो में दोस्तों अपन इसका जो फ्रंट का लेफ्ट हैंड साइड का फुटरेस्ट डालने वाले हैं, तो चलिए आपको दिखा देते हैं पहले फुटरेस्ट की कंडीशन। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों अपना ये यहाँ का दोस्तों फुटरेस्ट का जो रबर है वो निकल चुका है जैसे कि आप देख पा रहे होगे। और दोस्तों इसका सेपरेट रबर दोस्तों हमारे सिटी में तो नहीं मिला, अगर दोस्तों आपके सिटी में इसका दोस्तों ये सेपरेट रबर मिलता होगा तो आप दोस्तों ये डलवाइएगा, काफ़ी कम कॉस्ट में दोस्तों आपका काम हो जाएगा। बट दोस्तों हमारे सिटी में ये अवेलेबल नहीं हुआ इसका रबर, तो हमने दोस्तों इसका जो कम्प्लीटली यही सेट लाया है, तो चले आपको दिखा देते हैं पहले। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप, ये कुछ इस प्रकार से है इसका जो फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड का फुटरेस्ट जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये कुछ इस प्रकार से ये मॉडल नंबर है दोस्तों, और इसकी कीमत जैसे कि आप देख पा रहे हो 186 रुपये का ये हमें पड़ा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ये कुछ इस प्रकार से। और ये दोस्तों फ्रंट लेफ्ट साइड का है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो चले दोस्तों अब इसे इंस्टॉल करते हैं, और आज का वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पे होने वाला है, तो चले चलते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो हमें ये फुटरेस निकालने के लिए इसका जो पिन है ये निकाल लेना है जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये पिन है दोस्तों किस प्रकार से ये निकाल लेना है, तभी जाके दोस्तों ये अपना लॉक रिलीज होगा, मतलब ये फुटरेस रिलीज होगा। तो चलिए ये निकाल लेते हैं, इसे पिन भी कह सकते हो दोस्तों आप, लॉक भी कह सकते हो जैसे कि आप देख पा रहे होगे कुछ इस प्रकार से। तो इसे दोस्तों हम इसकी मदद से निकाल लेंगे, ये कुछ इस प्रकार से जैसे कि आप देख पा रहे होगे कुछ इस प्रकार से। तो चलिए ये एक हाथ से पॉसिबल नहीं है, तो आपको निकाल के दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो भाइयों अपन ने इसका जो पिन है इसको सीधा कर लिया जैसे कि आप देख पा रहे होगे कुछ इस प्रकार से। अब वो ये दोस्तों ईजिली ऐसा निकल जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे होगे कुछ इस प्रकार से, इसे पकड़ के खींचना होगा दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से, और ये इजीली निकल जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे होगे कुछ इस प्रकार से। तो ये पिन है दोस्तों जिसे लॉक भी कह सकते हैं आप, ये कुछ इस प्रकार से निकल चुका है। अब दोस्तों ये अपना इजीली निकल जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये इसका वाइसर है जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये वाइसर हो गया, यहाँ पर रखते दोस्तों साइड में यहाँ पर। और ये दोस्तों अपना फुटरेस, अब दोस्तों इसे हमें कुछ इस प्रकार से निकाल लेना है ये जैसे कि आप देख पा रहे होगे। और ये अपना दोस्तों पुराना फुटरेस निकल चुका है, अब दोस्तों अपना न्यू फुटरेस जैसे कि आप देख पा रहे होगे। उससे पहले आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ, ये कुछ इसका मॉडल नंबर रहेगा दोस्तों, और ये 220 का है जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मतलब दोस्तों 220 का जेन्युइन रहेगा ये कुछ इस प्रकार से। तो चलिए अभी इसे निकाल लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से है दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और ये अपना पुराना वाला दोस्तों, और ये नया वाला। फिर दोस्तों ये इसका रबर के लिए दोस्तों हमें ये चेंज करना पड़ा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अगर दोस्तों आपके सिटी में ये अवेलेबल होता होगा इसका रबर, तो आप दोस्तों रबर ही डलवाइएगा ताकि दोस्तों आपका कम कॉस्ट में काम हो जाए। तो चले अभी इसे इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने का प्रोसेस सेम रहेगा दोस्तों, जैसे अपन ने इसे निकाला वैसे इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से लग जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे होगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें ये कुछ इस प्रकार से, अब दोस्तों हमें इसमें स्क्रू लगा लेना है, जो कि दोस्तों इसका जो यहाँ का स्क्रू होता है, तो चले लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों अपन ने नया वाला कुछ इस प्रकार से लगा लिया है, खाली दोस्तों अभी हमें ये पिन और वाइसर लगाना है जैसे कि आप देख पा रहे होगे, और ये अपना पुराना वाला जैसे कि आप देख पा रहे होगे कुछ इस प्रकार से। तो चलिए ये भी लगा लेते हैं, एक हाथ से पॉसिबल नहीं है दोस्तों, और लगाने का सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों, जैसे निकाला वैसे ही लगाना होगा। तो चलिए इसे लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार से ऐसा लगा लेना है दोस्तों अपने वाइसर कुछ इस प्रकार से, और इसके बाद दोस्तों हमें ये पिन इस होल में डाल देना है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, और इसे फिक्स कर देना है। तो चलिए इसे फिक्स करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनल दोस्तों अपन ने इसका जो पिन है ये भी लगा लिया जैसे कि आप देख पा रहे होंगे
एक मिनट आपको दिखा देता हूँ फोकस करके कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें इसे लॉक कर लेना है दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की मदद से। चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से इसे लॉक कर लेना है दोस्तों, ताकि दोस्तों ये सही से लॉक हो जाए। तो भाइयों ये कुछ इस प्रकार से हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से लॉक कर लेना है, मतलब दोस्तों ये साइड इधर और ये साइड दोस्तों लॉक का इधर दबा देना है, तो इस तरीके से दोस्तों ये लॉक हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इसे लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो भाइयों ये अपन ने लॉक कर लिया जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से, ये अपन ने दोस्तों कुछ इस प्रकार से लॉक कर लिया। अब दोस्तों ये फिक्स हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से, और ये अपना पुराना वाला जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना भी प्रॉपर तरीके से फिटमेंट हो चुका है। अगर दोस्तों आपके पास प्रॉपर तरीके का टूल हो तो आप इसे घर पे भी फिक्स कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतने, और इसे कैसे फिक्स करते हैं वो आपने देख ही लिया होगा दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं भी अच्छे लगे तो डिसलाइक कर सकते हो, और इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो रहा हो तो कमेंट कीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद वंदे मातरम। I'm gonna go get some more.